أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. I am Abdul Sansha, teacher government BTS Shahri Zunchun Kor. आज हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस क्लास 8. क्लास 8 टॉपिक है हमारा साइल. साइल मीन्स मिट्टी. तो आज हम पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में. द थेम्बेर ऑफ ग्रेनी सबस्टेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड साइल. इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड. लैंड फॉर्म डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ साइल. साइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स मिनरल्स एंड वेदर रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ. दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द साइल फर्टाइल. Landslides are the simply defined as the mass movement of rock reserves of earth down a slope. They often takes place in conjunction with the earthquake floods and volcanoes. If prolonged spells of rainfall can cause heavy landslide that can block off flow of river for quite some time. The formation of river blocks can cause havoc to the settlement downstream and the bursts in the hill terrains. Landslides have been a major and widely spread natural disasters that often strike life and property and occupy the positions of major concerns. लैंड साइल क्या होगी? द थिक लेयर ऑफ सबस्टेंस कवर्ड विद सरफेस ऑफ अर्थ. साइल इज टोटली लिंक्ड टू लैंड. साइल की मिट्टी है जो एक है क्लोज है किसके साथ? मिट्टी के लैंड के साथ. लैंड्स फॉर जमीन की जो किस्में हैं द टाइप्स ऑफ साइल मिट्टी की किस्में इज मेड ऑफ ऑर्गेनिक्स किस से एजा से तल्लक हुई हैं क्या एजा मिनरल्स दार वेदर रॉक्स फाउंड इन द अर्थ. ना रॉक्स पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं? जमीन पे. अर्थ द हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. दो थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग वहाँ का जो मौसम होता है तो राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मेटल मेक द साइल फर्टाइल. वहाँ का जो मौसम आबोहवा होती है वही क्या बनाती है मिट्टी को फर्टाइल है ना. वहाँ की कैसी मिट्टी है जरहेद मिट्टी फर्टाइल. और इसमें क्या क्या होता है आप इसमें है स्पेल ऑफ रेनफॉल. जब ज़्यादा बारिशें गिरती हैं हावी बारिशें ज़्यादा जब गिरती हैं तो क्या होते हैं लैंडस्लाइड आते हैं है ना. लैंडस्लाइड आते हैं और कहाँ ये बहते हैं राइवरों में. राइवर फ्लो होते हैं भाग जाते हैं है ना. कुछ टाइम के लिए ब्लॉक्स हो जाते हैं हैवक्स तबाही मच जाती है पूरे सेटलमेंट में. या कुदरती डिजास्टर जो है स्ट्राइक लाइफ प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई द पोजीशंस ऑफ मेजर कंसर्न. ये किस पे करता है प्रॉपर्टी पे ऑक्यूपाई करता है क्या जो नेचुरल डिजास्टर होता है ये मेजर. ये किस पे करता है ज़्यादातर प्रॉपर्टी पे ऑक्यूपाई पोजीशंस ऑफ मेजर कंसर्न करता है वहाँ ज़्यादा ही नुकसान देता है ना. तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो मैंने लिखे हैं ब्लैक बोर्ड पे. मैटर हो गया मादा थेंस हो गया बारी ऑर्गेनिक्स हो गया एजा के मतलब फर्टाइल होगी जरहेज मिनरल्स होगी दाग लिबास हो गया मलबा टुकड़े रिफाइंड वादा करना कंजक्शन तलाजम हैवक्स होगी तबाही रिवाइवर मीन्स दरिया लैंडस्लाइड हो गया खिसकना पसियाँ गिरना टेंस हो गया कत है ज़मीन.
जो हमने आज इसमें सॉइल के बारे में पढ़ा, तो कल हम फिर आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों कि आपने ये बहुत से सुना होगा, और ये जो मुश्किल अल्फाज हैं ये आप लिख सकते हैं अपनी नोट्स बुक्स पर, याद करके फिर किताब खोलें और इसका सबक अच्छी तरह से पढ़ें।